लेबर लॉ 2023, आप कंपनी एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में कैसे जा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा नाजरीन, एक वीडियो पहले मैंने प्रोबेशन पीरियड की बनाई थी, वो भी मैं लिंक में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी लगा दूंगा। सबसे पहले आप अपना उस जॉब के लिए आप अप्लाई करें जिस जॉब के लिए आप बिल्कुल आप कहते हैं कि मैं सूटेबल हूं, जिसके लिए जो जॉब आप इजीली कर सकें। ठीक है, ये होता है यहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें इंटरव्यू पास हो जाता है, हमें जॉब मिल जाती है और हम कर भी लेते हैं और हम कहते हैं कि जी यार कोई मसला नहीं, दो तीन महीने बाद कोई अच्छी जॉब मिली, कोई अच्छी ऑफर हुई, अच्छी सैलरी की ऑफर हुई तो वहां चले जाएंगे। फिर क्या होता है, हमारा जो बीच में प्रोबेशन पीरियड आ जाता है 6 महीने के अंदर, आपने गवर्नमेंट यूएई लेबर लॉ है कि 6 महीने के अंदर आप जो है वो जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, जो जॉब आपने करनी है वो करनी है, अगर आप छोड़ेंगे तो डायरेक्ट अपने मुल्क जाएंगे या फिर आपको फाइन होगा या जो उसकी जो लीगल जो भी तरीका है जो कंपनी वो आपसे कर सकती है। ठीक है नाजरीन, तो सबसे पहले अगर आपने जॉब करनी है, जो भी जॉब आपको मिलती है उसको 2 साल आपने पूरा करना है, 2 साल के बाद जब रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट आती है कि वीजा रिन्यूअल करना है तो आप कंपनी को बोल सकते हैं कि जी मैं आपके साथ आगे जॉब नहीं करना चाहता। तो फिर वो क्या होगा कि 28 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें आप कहीं और जॉब ढूंढ के कहीं और उस वीजा कर जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोबेशन पीरियड में छोड़ेंगे तो फिर वो आपको 2 महीने शायद फ्री में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ऑफर लेटर में होगा जो कंपनी आपसे साइन करवाएगी उसमें लिखा होगा, या फिर वो आपको फाइन डालेंगे कि वो फाइन आपने देना है तो आप आगे आपको दूसरा वीजा मिल सकता है। तो इस तरह के सारे सीन होते हैं। तो जॉब जो है वो स्विच करना इतना आसान नहीं है कि आप एक जॉब, कोई कोई एम्प्लॉयर इतने गंदे होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैंने एक वीडियो पीछे बनाई थी, मुझे याद है लेबर की, और उसमें मैंने कहा था कि एक कंपनी में बंदे से मैं मिला हूं तो वो ये कहते हैं कि यार हमारा जो उनका जो अरबाब है या उनका जो कंपनी का जो ओनर है वो कहता है कि आपने कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन करें, जो मर्जी करना है करें, 2 साल मेरे वीजे पे आए हैं तो हम सर मेरे पे 2 साल जो है इधर काम आपने करना है, तो वो पासपोर्ट वगैरह भी रख लेते हैं तो वो नहीं देते। तो नाजरीन सबसे पहले जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है या जॉब आपने करनी है, जब आपका इंटरव्यू पास होता है तो ये सारी चीजें आप उस टाइम देख लिया करें कि बाद में आपको परेशानी न हो। ठीक है, जॉब स्विच आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये है कि अगर प्रोबेशन पीरियड है 6 महीने का तो उसके अंदर आपने जॉब नहीं छोड़ सकते, एम्प्लॉयर आपको निकाल सकता है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप जॉब छोड़ेंगे, ठीक है, आप कहीं अगर एक जॉब कर रहे होंगे और दूसरी जगह अगर आप इंटरव्यू देते हैं वहां पास हो जाता है तो वो आपको कहते हैं कि आप पुराना वीजा कैंसिल करवाएं तो हम अपना आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए फिर आपके पास टाइम कम ही होता है। ठीक है, 15 दिन 20 दिन ही होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जिस कंपनी में आपका इंटरव्यू पास होता है तो उनको भी तो बंदे चाहिए होंगे, तो इसीलिए तो वो हायरिंग कर रहे हैं। तो आप फिर अपनी कंपनी से बात करते हैं जी, कोई कोई कंपनीज अच्छी होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो वो तो एक दिन में भी कहते हैं जी ठीक है आप रिजाइन करो, और एक दिन में भी छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन कोई कोई कंपनीज कहती हैं जी आप हमें 2 महीने का नोटिस पीरियड है, आप अभी हमें नोटिस जो है वो जमा करवाएंगे, ठीक है अभी लिख के रेजिग्नेशन देंगे, 2 मंथ के बाद आप छोड़ के जा सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। तो वो फिर आपकी वो जहां पे आप जॉब आपका इंटरव्यू पास हो गया तो वो 2 महीने शायद वेट ही ना करें आपका। तो ये भी सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए सोच समझ के जॉब करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है भाई मेरे, तो मैं तो यही कहूंगा कि यार आप पूरे 2 साल जॉब करें और उसके बाद देखें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये है कि अपने पास जो है वो थोड़े से पैसे सेव करके रखें, अगर प्रोबेशन पीरियड में आप जाना चाहते हैं तो आप जो फाइन वो डालेगी कंपनी आपके ऊपर, जो वीजे की आपकी कॉस्ट होगी, जो सारा अगर ट्रांसपोर्ट आपको वीजा उसने स्टैम्प करवा के दिया है, आपकी फिंगरप्रिंट उसने करवाई है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो फीस है वो सारी उसे जमा करवाई है, तो उसकी वो आपसे कहेगा कि इतने पैसे मुझे जमा करवाओ तो आप चले जाओ। तो एक तो वो भी हल हो सकता है, एक तो आप और एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय होता है वो अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके अंडरस्टैंडिंग बना के जो भी करे तो वो एक अलग चीज है, उसमें कोई उमल दखल नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल जो लॉ है वो लॉ यही है जी कि आपने जो है वो 6 महीने नहीं छोड़ना, उसके बाद आपने जो है वो 1 महीने के नोटिस पीरियड पे जो है वो अपनी जॉब स्विच कर देनी है। तो ये था जी छोटी सी मैंने वीडियो बना के आपको लेबर लॉ के बारे में बता दिया कि प्यारे भाई जॉब करके फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना कोई इतना आसान नहीं है, उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ के जॉब करें, और अगर आपको जॉब मिल जाए तो मेरा जो मशवरा यही है कि आप पूरे 2 साल करें, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें, और मुझे दें इजाजत।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है और आप ये समझते हैं कि यार ये वीडियो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो है, किसी और का भी भला करें, तो शेयर करें, और मुझे दें इजाजत। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।